अब इसमें एक क्वेश्चन और देखिए, द्विघात समीकरण में 4 upon x plus 2 minus 1 upon x plus 3 equal to 4 upon 2x plus 1। तो क्या करेंगे इसमें, पहले आप यहां पे दो परिमेय पद हैं, तो इनको पहले आप लघुत्तम लेके एलसीएम लेके सिंगल बना लेंगे। तो इसमें एलसीएम ले लिया x plus 2 x plus 3, तो x plus 2 सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होगा और x plus 3 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x plus 3 4 में मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4x plus 12 minus x minus 2। क्यों माइनस यहां पे है, ध्यान दीजिए यहां पे माइनस साइन है बीच में, तो ये माइनस किसको मिलेगा, 1 को मिलेगा। तो x plus 2 तो जाएगा, लेकिन ये माइनस साइन जब जा रहा है तो x प्लस 2 के दोनों पदों को माइनस कर देगा और दाईं तरफ है 4 upon 2x plus 1। अब इसमें आ गया 3x plus 10 equal to upon x square, इन दोनों को गुणा कर दिए तो x स्क्वायर माइनस 5x plus 6 और ये 4 upon 2x plus 1। अब इन दोनों का तिर्यक गुणा कर दिए तो ये आ गया 3x plus 10 2x plus 1, और राइट साइड में आ गया 4 के साथ x स्क्वायर प्लस 5x plus 6। अब ये ब्रैकेट हटा दिया तो इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो 6x स्क्वायर के साथ 23x plus 10, और यहां पे ब्रैकेट केवल हटा दो आप तो 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 24। अब सारे पदों को एक तरफ कर लीजिए आप, तो जब आप एक तरफ ले लेंगे तो आपके पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x, देखो इधर 6x स्क्वायर है, इधर से x स्क्वायर इधर आएगा तो कितनी बार है, ये 4 बार है, इधर 6 बार है, तो इधर आके माइनस होगा तो 2 बार बचेगा। फिर x जो है इधर कितनी बार है, 23 बार है, मतलब 23 टाइम, और इधर 20 टाइम 20 बार है, तो इधर आएगा तो 3 टाइम बचेगा प्लस, और यहां पे संख्या जो है वो 10 है और यहां पे प्लस 24 है, इधर आके माइनस होगा तो माइनस 14 बच जाएगा। अब इसका गुणनखंड यहां से देख लीजिए, यहीं पे 2 और माइनस 14 है, यहीं पे देखो इसका फैक्टर बनाए हैं, एक को ले लेंगे माइनस 4 और एक को ले लेंगे 7। अब 7 और माइनस 4 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो एक आ गया 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x प्लस माइनस 4x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप नीचे की तरफ, नहीं यहीं से इसको बढ़ा देते हैं, पहले और दूसरे में केवल x कॉमन है और तीसरे और चौथे में, फिर से ध्यान देना, तीसरा और चौथा दोनों ऋणात्मक है। अब दोनों ऋणात्मक है तो दोनों से पहले माइनस साइन कॉमन होगा, माइनस ऋण का चिन्ह जो है वो कॉमन होगा, इसके बाद संख्या में क्या कॉमन है, 2 4 और 14, तो इसमें 2 कॉमन है और x तो केवल पहले के पास है, दूसरे के पास है ही नहीं तो वो कॉमन ही नहीं है, तो केवल 2 कॉमन होगा, तो माइनस 2 आ गया, तो माइनस जब हट गया तो ये प्लस हो जाएगा, 2 निकला तो 2 बचेगा x के साथ, और यहां पे 14 में से 2 निकलेगा तो 7 बचेगा, तो ये आ जाएगा 2x plus 7, और पहला भी 2x plus 7 है, तो 2x plus 7 को पहले और दूसरे से कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बच जाएगा x माइनस 2। अब 2x प्लस 7 को आप जीरो करिएगा तो x का वैल्यू आएगा माइनस 7 अपॉन 2, और दूसरे को जीरो करिएगा मतलब x माइनस 2 को जीरो करिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। तो ये आपके दो सॉल्यूशन हो गए।